आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में मोशन थ्योरी से रिलेटेड है। मतलब चैप्टर नंबर 3 का बिल्कुल बेसिक पार्ट, ये बेसिक पार्ट आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा है, वही सारा का सारा बेसिक पार्ट है। मैं स्टार्ट करूंगा आपको, एमसीक्यू नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज। याद है ना बेटा, आपके पास दो पॉइंट्स होते थे, एक पॉइंट कहलाता था ए, एक पॉइंट कहलाता था बी। ए से बी तक आने के बहुत सारे रास्ते थे, इसमें से जो एक नजर आता था जिसको आप बोलते थे एक्चुअल पाथ, ये एक्चुअल पाथ आपके पास चलाता था डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ को आप डिस्टेंस बोलते थे, जबकि याद है इसमें तो जो शॉर्टेस्ट होता था, जो आप शॉर्टेस्ट बनाते थे इसको बोलते थे आप शॉर्टेस्ट पाथ, और जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो कहलाता था मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। यानी दो तरह के पाथ हो गए बेटा मेरे पास, ए कहला रहा है एक्चुअल पाथ, ए कहला रहा है शॉर्टेस्ट पाथ। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ नजर आ रहा है बेटा इसको आप बोल सॉरी एक्चुअल पाथ जो नजर आ रहा है इसको आप बोलते थे डिस्टेंस, जबकि जो शॉर्टेस्ट पाथ नजर आ रहा है बेटा इसको आप बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ एमसीक्यू नंबर 1 का करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे सर ये तो इतना आसान सा एमसीक्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। अगला एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है? एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो बेटा ये तो याद होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है तो इसको आप स्पीड बोलते हो, जबकि एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो वेलोसिटी। यानी डिस्टेंस को आपके सामने नजर आ रहा, अगर आप डिस्टेंस को बेटा टाइम से डिवाइड करते हो तो ये कहलाता है मेरे पास स्पीड, और इसी में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से करते हो तो ये कहलाती है मेरे पास क्या? वेलोसिटी कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 मेरे पास नजर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज अ डैश। तो बेटा ये तो याद होगा इतनी आसान सी बात, डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। याद करो डिस्प्लेसमेंट की देखो ना स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये शॉर्टेस्ट पाथ जो नजर आ रहा है इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन है। मतलब इस तरीके से अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो इसकी डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के दरमियान में आ रही है, इसी तरीके से जा रहा है ना ये, कि इसकी जो डायरेक्शन मुझे नजर आ रही है ये साउथ और ईस्ट के दरमियान में। यानी जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। एमसीक्यू नंबर 5, एवरेज वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। एवरेज वेलोसिटी किसका फॉर्मूला होता है? तो आप बोलेंगे सर इतने आसान आसान से एमसीक्यू आ रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो वेलोसिटी होगी, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अच्छा ये वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक ही बात कहलाएगी? ये मतलब नहीं है कि अगर एवरेज वेलोसिटी लिखा है तो अलग चीज हो जाएगी, एक ही चीज है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 6 पढ़िए बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज और डिफरेंट मासेस अलाउड टू फॉल फ्रीली। अच्छा डिफरेंट बॉडीज को अगर आप किसी चीज किसी जगह से ड्रॉप करो, सपोज करो एक छोटी बॉल को मैंने ड्रॉप किया, एक बड़ी बॉल को ड्रॉप किया, मेरे पास दो बॉल हैं, एक लार्जर बॉल थी एक स्मॉलर बॉल थी, दोनों बॉल को मैंने ड्रॉप किया। अब दोनों की क्या चीज चेंज होगी, क्या चीज सेम होगी, जरा देखते हैं। उसने कहा मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, दोनों की एक्सेलरेशन के बारे में बताओ। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस अलाउड टू फॉल फ्रीली। तो बेटा दोनों की दोनों ग्रेविटी की एक्सेलरेशन के बराबर मूव करेंगे, यानी दोनों की जो एक्सेलरेशन होगी वो जी के बराबर होगी। यानी इसकी जो एक्सेलरेशन है बेटा वो एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है, यानी इसकी जो एक्सेलरेशन नजर आ रही है वो एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम। ओके तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी? सेम होगी फॉर डिफरेंट हाइट, चाहे हाइट सेम हो चाहे हाइट डिफरेंट हो। करेक्ट जवाब बेटा हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगी? सेम रहेगी। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ आते हैं, व्हाट मस्ट बी चेंजिंग व्हेन द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। आपकी बॉडी की क्या चीज चेंज होगी अगर उसमें एक्सेलरेशन है? बेटा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर मैं आपसे बोलूं ना, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जरा देखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या समझ में आ रही है आपको? सर एक्सेलरेशन समझ में आ रही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
मतलब अगर वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो आपकी बॉडी में क्या आएगी, एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब ये हुआ सर, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो जो चीज बॉडी की चेंज होगी वो कौन है, वो वेलोसिटी है। यानी करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है इसका मतलब उसकी जो चीज चेंज हो रही है वो चीज है मेरे पास वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर ए, टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, आर डैश विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, जैसे ये मेरे पास है ए, एक है मेरे पास बी, दोनों की दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अच्छा, दोनों की जो आपस में वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी दोनों की आपस में होती है वो वेलोसिटी कहलाती है रिलेटिव वेलोसिटी। कहलाती क्या है, ये कहलाती है जब एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से निकालोगे तो वो कहलाती है रिलेटिव। देखो रिलेटिव का जो वर्ड है ना, वो लफ्ज आया है रिलेट से। आप खुद देखो, आपको इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत आती हो तो रिलेट का मतलब होता है एक का मुकाबला दूसरे से। भाई रिलेट का मतलब होता है ना रिलेट करना, दोनों का मुकाबला करना। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये कि एक की वेलोसिटी दूसरे के लिहाज से, और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का वी ए माइनस वी बी, मतलब ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी को माइनस कर दो, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप देखो, आपने इसका फॉर्मूला देखा, अब उसने आपसे कहा जो आपकी बॉडी से वो सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। सेम वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर ऊपर वाले की ए की वेलोसिटी 2 है तो बी की वेलोसिटी भी कितनी होगी, बी की वेलोसिटी भी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। अगर ए की वेलोसिटी 3 है तो बी की वेलोसिटी भी 3 होगी, यानी दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। मैंने ए की जगह पे 2 रखा, बी की जगह पे 2 रखा, बेटा 2 से 2 आपस में क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो वेलोसिटी बची वो कुछ नहीं बची, और वेलोसिटी अगर 0 हो जाए इसका मतलब आपकी बॉडी किसमें कहलाती है, आपकी बॉडी रेस्ट में कहलाती है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको जहन में बिठाना है। कॉन्सेप्ट क्या जहन में बिठाना है कि कोई भी दो बॉडीज अगर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करें तो वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से किसमें कहलाती हैं, वो दोनों की दोनों बॉडीज एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में कहलाती हैं। यानी करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे पास। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, फॉर्मूला हो सकता है आगे जाके आपकी हेल्प करे। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि आंसर 0 आ रहा है, यानी रेस्ट पे होगी। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है आपसे। एमसीक्यू नंबर 9 में कहा था वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, इंस्टेंट्स ओके, इंस्टेंस का मतलब होता है बेटा पर्टिकुलर पॉइंट। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है, किसी भी लम्हे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो वेलोसिटी कहलाती है बेटा मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आइंदा से अब आपको याद रखना है बेटा, मैं क्या बात बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ इंस्टेंस का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कहलाती है मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस तरीके से भी लिखते हैं कि चेंज इन टाइम अगर 0 के बराबर हो जाए, चेंज इन टाइम 0 के बराबर, मतलब आपने बेटा सपोज करो यहां से स्टार्ट किया एक जगह से दूसरी जगह तक, आपको ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड लग रहे, 10 सेकेंड। सपोज करो ए से बी तक जाने में आपको जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड लग रहे हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गए, सपोज करो इस पॉइंट पर आए, अब इस पॉइंट का जो पर्टिकुलर टाइम, अब आपने पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो टाइम कहलाएगा कि यहाँ पे टाइम चेंज नहीं हो रहा। भाई चेंज नहीं हो रहा का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट हो गया ना, पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हो गया, उस पॉइंट पे टाइम चेंज नहीं हो रहा। यानी टाइम चेंज ना होने का मतलब ये है कि चेंज इन टाइम अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है। ये सारी फिजिक्स की टर्म है जो अब आपको सीखनी है, और ये सीखोगे तो फिर आगे फिजिक्स समझ में भी आएगी। तो अब आपको आइंदा के लिए बेटा याद रखना है, इंस्टेंस का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जिस सिंबल से आप शो कर रहे हो वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ये पढ़ोगे आप, ये तरह का सिंबल ये सेकेंड ईयर मैथ्स में आप पढ़ोगे,
सेकेंड ईयर मैथ्स में इसका सॉल्यूशन है, लिमिट का, लिमिट कहलाती है ये जो चीज होती है ना, ये लिमिट कहलाती है, सेकेंड ईयर मैथ्स में इसका पूरा चैप्टर है, तो वहां ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में देखो, उसने कहा आपसे इफ द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, अगर इस तरह का सिंबल आपको नजर आ जाए तो ये कौन सी वेलोसिटी कहलाती है। याद करो अभी मैंने लिखवाया ना, अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो अगर इस तरह का सिंबल नजर आए तो ये वेलोसिटी कौन सी होती है। आप बोलेंगे सर ये वेलोसिटी होती है मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा अब आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है सर, वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन बनती है। लेकिन अब वेलोसिटी ही मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी अब ये वेलोसिटी नहीं है बल्कि कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी नहीं कहलाएगी बल्कि एक्सेलरेशन भी कौन सी बन जाएगी। आप बोलेंगे सर आप तो बड़े जीनियस है, ये एक्सेलरेशन भी बन जाएगी मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी क्योंकि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है तो जो एक्सेलरेशन बनेगी वो एक्सेलरेशन भी बन जाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 11 पे आते हैं आगे। एमसीक्यू नंबर 11 क्या है, एमसीक्यू नंबर 11 तो आपके लेवल पे बिल्कुल हलवा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप बोलेंगे सर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। अच्छा द रेट ऑफ एमसीक्यू नंबर 12 देखते हैं, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, वेलोसिटी में दो पार्ट होते हैं, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो ये कहलाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी बढ़े तो ये कहलाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम हो डिक्रीज हो तो ये कहलाती है बेटा मेरे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन के आपने और भी नाम पढ़े होंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप बोलते हो डीसेलरेशन, ये भी इसका नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन का डीसेलरेशन, या फिर इसको बोलते हो रिटार्डेशन, ये भी इसी का नाम है, या तो डिसेलरेशन कहलाता है या फिर कहलाता है रिटार्डेशन। अब आप देख लो द रेट ऑफ एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बढ़े तो ये कहलाएगी मेरे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 13, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपकी वेलोसिटी बेटा यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मैं एग्जांपल आपको दूं, आपकी कार है बेटा मूव करते हुए जा रही है, मैंने ये मुख्तलिफ पॉइंट्स मार्क किए, हर पॉइंट पे आपकी कार की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे पॉइंट पे भी 40, तीसरे पॉइंट पे भी 40, चौथे पॉइंट पे भी 40, आपकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है 40, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं है। आप बोलेंगे यस सर आपकी कार क्योंकि 40 की स्पीड से जा रही है इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, वेलोसिटी आपकी सेम है यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ो, ये ऊपर लिखवाई ना मैंने आपको, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो आपके पास क्या आएगी एक्सेलरेशन आएगी। लेकिन वो क्लियरली आपको बोल रहा है कि भाई आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी उसने बोल दिया यूनिफॉर्म, यानी आज के बाद से अगर आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो इसका मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। बेटा एक्सेलरेशन नहीं है ना, जब भी तो वेलोसिटी आपकी क्या है यूनिफॉर्म है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 14 जरा पढ़िए, एमसीक्यू नंबर 14 देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कोशिश करेंगे आपको एमसीक्यू समझाने की। उसने कहा आपसे द वैल्यू ऑफ द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल। अब ये एमसीक्यू ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। मैंने चार पॉइंट्स मार्क किए ए पी सी और डी,
पहले पॉइंट पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तीसरे पॉइंट पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, चौथे पॉइंट पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। एक काम करो आप, आपसे बोला ना उसने वैल्यू ऑफ एवरेज, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, उसने लव्स बोला एवरेज, एवरेज वेलोसिटी निकालो, निकालने की कोशिश तो करो एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज निकालने का तरीका होता है, एवरेज वेलोसिटी अगर चाहिए तो एवरेज का तरीका होता है जितने भी नंबर हैं सबको प्लस कर दो, जितने भी नंबर नजर आ रहे हैं सबको आपस में प्लस कर दो, यानी 1, 2, 3, 4 सारे नंबर को प्लस करके जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो, यानी 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं ना बेटा, ए बी सी डी 4 पॉइंट है तो 4 से डिवाइड कर दो, ये देखो 2, 2, 2, 2, इन तमाम को जब प्लस करोगे ऊपर तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, और 8 को 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2, यानी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। आप बोलेंगे चलें सर सही, आपने हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना सिखा दिया, आगे पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो मैंने सेकंड स्टार बनाया है इसको पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे, बेटा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल के देखो आप, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब पॉइंट बी, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, सर पर्टिकुलर पॉइंट पे भी 2 आ रही है, यानी इसका एवरेज भी 2 आ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वेलोसिटी 2 आ रही है। अच्छा ईमानदारी से मुझे बताओ क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। आप बोलेंगे सर नहीं, पहले वेलोसिटी 2, बाद में वेलोसिटी 2, फिर बाद में वेलोसिटी 2, सर आपकी जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी चेंज थोड़ी हो रही है, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी अगर कभी भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस की वैल्यू सेम हो जाए तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि 4 पॉइंट लगे हुए थे, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ए पे भी वेलोसिटी 2, बी पे वेलोसिटी 2, सी पे वेलोसिटी 2, डी पे वेलोसिटी 2, चारों का एवरेज भी सेम आ रहा है, इंस्टेंटेनियस भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये मूव कर रहा होगा कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। इसी तरह का सेम सवाल आ रहा है एमसीक्यू नंबर 15, उसने कहा एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो फिर दोबारा एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो गए, जैसे यहाँ वेलोसिटी बराबर हुई थी तो बॉडी मूव कर रही थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वैसे ही अब बेटा एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर हो गई, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यानी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो तो बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसे ही एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से मूव करे तो बॉडी मूव करेगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 16, अभी पढ़ाया था, सेम सवाल आपके पास रिपीट हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजिंग। ये देखो मैंने आपको बताया ना, वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बेटा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 17, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, आपकी वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही हो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। अब ये कॉमन सेंस की बात है, मैंने कहा ना वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, सर आपने बताया वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन कौन सी होती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब अपोजिट साइन आता है बेटा, यानी वेलोसिटी अगर राइट साइड पर है तो जिसकी एक्सेलरेशन होगी बेटा वो एक्सेलरेशन हो जाएगी लेफ्ट साइड पे, और एक्सेलरेशन अपोजिट है, और अपोजिट के लिए ही आप माइनस साइन लगाते हो, आपने पढ़ा है ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो साइन लगाते हो आप बेटा किसका, माइनस का, तो माइनस साइन उसी सूरत में आता है जब अपोजिट डायरेक्शन हो। तो करेक्ट जवाब जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। ये देखो ना ऊपर मैंने आपको की पॉइंट लिखवाया हुआ है कि वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब साइन आता है माइनस का, और अगर माइनस का साइन आता है तो डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 बेटा पढ़िए, एमसीक्यू नंबर 18 आपसे कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 18 में पढ़ रहा था, टू स्टोन्स ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द स्टोन ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हाइल द स्टोन बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। आप इस जगह पे खड़े हुए थे, आपने एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर गया और फिर ये वापसी नीचे आया,
और एक स्टोन को डायरेक्टली नीचे की तरफ थ्रो कर दिया, मतलब एक स्टोन पहले ऊपर गया और फिर नीचे आया, और एक स्टोन को आपने चलो इसको लेफ्ट साइड पे फेंक दिया और एक स्टोन को आपने डायरेक्टली यहाँ पे नीचे फेंक दिया, थ्रो कर दिया। क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, उसने कहा ना आपसे कि आपने सेम स्पीड से थ्रो किया, अब चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए, क्योंकि आपने दोनों को सेम स्पीड से थ्रो किया है तो दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, बोथ स्ट्राइक विद द सेम वेलोसिटी। लेकिन अगर वो ये बोलता किसको टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप बोलेंगे सर फिर तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर जाने वाले को टाइम ज्यादा लगेगा, नीचे आने वाले को टाइम कम लगेगा। लेकिन क्योंकि आपने सेम स्पीड से थ्रो किया है, चाहे अपवर्ड थ्रो करो चाहे डाउनवर्ड थ्रो करो, क्योंकि आपने सेम स्पीड से थ्रो किया है तो जमीन पे भी सेम स्पीड से वो टकराएंगे। तो करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर इसके बाद नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 देखते हैं। इफ अ वेट ऑफ 1 kg एंड 1 gram आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट साइमल्टेनियसली, आपने एक जगह पे 1 किलो का बॉक्स फेंका और एक जगह पे 1 ग्राम का बॉक्स फेंका, दोनों को आपने नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया, अब दोनों को आने में जो टाइम लगेगा अगर एयर फ्रिक्शन ना हो, अगर आपकी एयर फ्रिक्शन ना हो यानी एयर फ्रिक्शन जीरो, तो बोथ विल रीच एट द सेम टाइम, दोनों को नीचे आने में जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा, सेम लगेगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें एयर फ्रिक्शन की बात तो हुई नहीं, तो आप यही अज्यूम करोगे कि एयर फ्रिक्शन आपकी जीरो है, अगर वो नहीं बात कर रहा तो आप यही अज्यूम करोगे कि उसकी एयर फ्रिक्शन मेरे पास क्या है, जीरो है। तो एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20। एमसीक्यू नंबर 20 में आपसे क्या कह रहा है, व्हेन अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट रीच अ स्पीड वेयर द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स वेट। अच्छा जी, आपने एक बॉडी को थ्रो किया, आपकी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, अब जितना इसका वेट एक्ट कर रहा है उतनी इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है, एयर रेजिस्टेंस का मतलब, एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है फ्रिक्शन, जितना आपका वेट है उतनी ही अगर उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रही हो, वो जो वेलोसिटी कहलाती है बेटा वो वेलोसिटी कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी सर, जितना उसका वेट है उतनी अगर उस पे एयर रेजिस्टेंस लगेगी, एयर रेजिस्टेंस का मतलब है फ्रिक्शन, तो वो टॉपिक वो चीज कहलाएगी मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी। कि टर्मिनल वेलोसिटी आपको फ्रिक्शन के एमसीक्यूज में भी समझाऊंगा मैं आपको, उसमें आपको ये और अच्छी से बात समझ में आएगी, अभी सिर्फ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, फ्रिक्शन में आप ये डिटेल से पढ़ोगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी, हैज रीच इट्स टर्मिनल स्पीड। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद आते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 21। द रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, बेटा मैंने बताया ना वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो क्या कहलाता है, मैं ऊपर आपको लेके जाऊं बेटा ये रहा, याद करो वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम नजर आ रहे हैं, या तो वो कहलाता है डीसेलरेशन या वो कहलाता है रिटार्डेशन। अब वापसी आ जाते हैं एमसीक्यू में, एमसीक्यू में यही तो कहा आपसे, रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन कहलाएगा, रिटार्डेशन का मतलब ऑप्शन नंबर सी, और रिटार्डेशन का दूसरा नाम मैं आपको लिखवा के आ चुका हूं, इसको आप बोलते हो डीसेलरेशन। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22। अ ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट सडन स्टॉप, आपकी जो ट्रेन है बेटा वो अचानक से रुक गई, अचानक से रुकने का मतलब क्या हुआ, आप बोलेंगे सर अगर वो रुक गई स्टॉप हो गई तो इसका मतलब वो रेस्ट में आ गई, और रेस्ट में आने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो, यानी उसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो वेलोसिटी जीरो के बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू जीरो। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद एमसीक्यू नंबर 23 लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, ये नहीं 23 24 दो एमसीक्यू बचे हैं, 23 को पढ़ते हैं। टू फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स 10 kg एंड 20 kg आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम, एयर रेजिस्टेंस इज नेजलेबल, एयर रेजिस्टेंस नेजलेबल का मतलब उसकी फ्रिक्शन जो है बेटा एयर फ्रिक्शन जीरो है, मैं लिख देता हूं उसको, उसकी जो एयर फ्रिक्शन है बेटा वो एयर फ्रिक्शन जीरो के बराबर है। अब इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, अब अगर आप दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से थ्रो कर रहे हो, एक है ए एक है बी, अब उसने आपको बता दिया भाई दोनों की हाइट सेम है,
यानी जो हाइट ए की है वही हाइट बी की, उसने कहा ना एट्स फ्रॉम सेम हाइट, मैंने स्टार बनाया ग्रीन कलर का, आपको मेंशन भी कर दिया कि आपने दोनों बॉडीज को बेटा सेम हाइट से ड्रॉप किया है, सेम हाइट से ड्रॉप किया। अब आप देखो क्योंकि सेम हाइट से ड्रॉप किया है, अब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही आ रही है। पार्ट नंबर वन पढ़ो, बोथ ऑब्जेक्ट हैव द सेम पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या सेम होगी। आप बोलेंगे सर सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे भी डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी मास पे भी डिपेंड करती है, दोनों के मास तो अलग अलग है ना। मैंने अच्छा मिस्टेक कर दी, एक को बड़ा बना देते हैं, दोनों के मास तो अलग अलग है क्योंकि एक है मेरे पास 10 kg का, एक है मेरे पास 10 kg का, एक है मेरे पास 20 kg का। क्योंकि दोनों के मास अलग अलग हैं इसका मतलब दोनों के पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बेटा आपके पास गलत हो गया क्योंकि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों के मास अलग अलग है। एमसीक्यू नंबर टू सही हो सकता है क्योंकि बोथ ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन। भाई दोनों की एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी, अभी चैप्टर के स्टार्ट में एमसीक्यू में पढ़ाया था कि दोनों की एक्सेलरेशन बराबर होगी जी के, यानी दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी। और एमसीक्यू नंबर पार्ट नंबर थ्री भी सही है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है बोथ ऑब्जेक्ट हैव द सेम स्पीड, जाहिर सी बात है दोनों की जो स्पीड है वो जब टकराते वक्त दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि आपने सेम हाइट से ड्रॉप किया है, क्योंकि इनकी हाइट सेम है तो टकराते वक्त इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। तो बेटा करेक्ट आंसर टू और थ्री है, और टू और थ्री का मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे पास सी, यानी पार्ट नंबर टू एंड थ्री ओनली, यानी पार्ट नंबर वन गलत है जबकि टू और थ्री इसका सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 24 देख लीजिए, लास्ट एमसीक्यू है, इसको समझते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे कह रहा है अ पेनी एंड अ पीस ऑफ पेपर आर साइमल्टेनियसली रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वर्टिकल एवैक्यूएटेड ट्यूब। बेटा एवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब ये है ऐसी ट्यूब जिसमें एयर फ्रिक्शन ना हो, यानी एयर फ्रिक्शन जीरो, ऐसी ट्यूब जिसमें एयर फ्रिक्शन जीरो उसको एवैक्यूएटेड ट्यूब बोलते हो, वैक्यूम ट्यूब बोलते हो। एक आपके पास ट्यूब थी जिसको आपने एवैक्यूएटेड ट्यूब बोला, जिसको आप आसान जबान में वैक्यूम बोलते हो। इसके अंदर आपने एक कॉइन को ड्रॉप किया, सिक्का। बेटा पेनी का मतलब होता है कॉइन, पेनी का मतलब कॉइन, और एक पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर को ड्रॉप किया। एक कॉइन और एक पीस ऑफ पेपर को आपने ड्रॉप किया, अब इसमें से कौन टकराएगा, कौन कैसे टकराएगा, आप जरा देखते हैं। द पेनी एंड द पेपर रिमेन एट रेस्ट, सर रेस्ट पे नहीं रहेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे। द पेनी एंड द पेपर स्ट्राइक द बेस ऑफ द ट्यूब एट द सेम टाइम, यस सर आपकी जो पेनी और पेपर है ये सेम टाइम पे आके टकराएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, उसकी भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर, पेनी की भी, और कॉइन की भी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, ग्रेविटी के बराबर होगी। दोनों की एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी के बराबर होगी, लिहाजा दोनों के दोनों जो है बेटा सेम टाइम पे आके टकराएंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पहुंच के आपके मोशन थ्योरी के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए।